गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देखिए सभी का स्वागत है हमारी जीरो टू जेड इंग्लिश चैनल में। चैनल का नाम है जीरो टू जेड, ये आप डालेंगे तो आप हमारे चैनल को पाएंगे यूट्यूब पर ऑनलाइन, और जिसमें कि हम आपको मेरे पहले दिन के वीडियो से आप देखें तो मैंने आपको बिगिनिंग फ्रॉम ए बी सी डी द इंग्लिश अल्फाबेट्स, और आज हम मॉडल्स के यूज तक पहुंच गए हैं। तो स्टूडेंट्स, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, बहुत बहुत आभारी हूं मैं अपने दर्शकों का, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो वॉच भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, सब्सक्राइब भी किया जा रहा है, थैंक यू सो मच। और आपसे ही हमें ताकत मिलती है कि मैं और मेहनत करूं और आगे वीडियोस बनाऊं। कभी कभी हाँ थोड़ा सा लगता है कि जैसे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये समय की मार है, कोरोना चल रहा है। सबसे अपील है मेरी कि घर में रहें, सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क यूज करें जब आप पब्लिक एरियाज में जाते हैं, और फैमिली में भी अगर आपको गले में कुछ इश्यूज नजर आते हैं, गले में खराश है, फीवर की शिकायत है, तो घर में भी आपस में मास्क लगा के रहें आप। ये मेरी सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है, और सभी की अच्छे स्वास्थ्य और शुभकामनाएं हम सबको देते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। देश में जब बहुत महामारी फैली हुई है, सरकार से लेकर आम आदमी तक बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हमारी कामनाएं हैं कि सब स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, और इस महामारी से जल्द हमें छुटकारा मिले। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मॉडल्स का यूज हम करते हैं, हम आपको बीच बीच में जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, इसमें हमने आपको नाउन प्रोनाउन और प्रीपोजिशंस पढ़ाई हैं। बीच बीच में हम आपको यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, यूज ऑफ हैज हैव हैड, ये सब बताते रहते हैं। ट्रांसलेशन के यूज, प्रोवर्ब्स, इडियम्स कुछ देते हैं, जैसे 40 सेंटेंस डेली यूज और कल भी हमने कराए थे आपको। तो मैं सभी से अपील है कि स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। और सब्सक्रिप्शन का कोई इशू नहीं है, जब हमारे स्टूडेंट्स को मटेरियल कंटेंट अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली वो सब्सक्राइब भी करते ही हैं और कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल आर वीडियोज एंड गिविंग अस सो मच लव। अब स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मॉडल्स की। तो देखिए मॉडल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मॉडल्स, देखिए मॉडल्स होते क्या हैं, ये मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड, विल, शैल, नीड, डेयर, ये मॉडल्स हैं। अब इन मॉडल्स में डिफरेंट हमारी फीलिंग्स को दर्शाया जाता है, हमारी मनोदशा को दर्शाया जाता है, जैसे किसी भी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी को भी दर्शाया जाता है, किसी के थ्रू कैपेबिलिटी को दर्शाया जाता है। जैसे मॉडल्स देखिए, ये कैपेसिटी यानी कि क्षमता को दर्शाने के लिए मॉडल्स का यूज होता है। कैपेबिलिटी ये भी क्षमता ही है, राइट, योग्यता, ओके। जब किसी व्यक्ति की क्षमता को देखा जाता है तो उसे योग्यता बोलते हैं, जब किसी बेजान वस्तु की योग्यता को देखा जाता है तो उसे कैपेसिटी यानी क्षमता बोलते हैं। जैसे एक बाल्टी की 10 लीटर पानी की क्षमता है तो कैपेसिटी, और इंसान की 10 किलो वजन उठाने की योग्यता है यानी कैपेबिलिटी, ही इज केपेबल टू लिफ्ट 10 केजी ऑफ वेट, दिस बकेट इज हैज कैपेसिटी टू होल्ड 10 लीटर्स ऑफ वाटर। तो यहां पर कैपेसिटी आएगा नॉन लिविंग थिंग्स की क्षमता दिखाने के लिए, लिविंग थिंग्स की क्षमता दिखाने के लिए कैपेबिलिटी, योग्यता। और देखिए कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना दर्शाने के लिए भी मॉडल्स का यूज होता है। इसके अलावा संभावना, पॉसिबिलिटी मींस किसी चीज का पॉसिबल होना,
संभावना, संभावना को दर्शाना भी मॉडल्स के थ्रू होता है। और परमिशन, अगर किसी से कोई परमिशन ली जा रही है तब भी, यानी कि आज्ञा, तब भी हम मॉडल्स का यूज करते हैं। ओके, और अब अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाते हैं तो नो इन कैपेसिटी इतनी नहीं है, या अनकैपेबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, परमिशन ना मिलना, तो क्षमता यानी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ये सब दर्शाने के लिए मॉडल्स का यूज होता है। ओके, और एडवाइस, ADVICE, सलाह, सलाह देने के लिए भी सजेशन, सुझाव, सुझाव या सलाह देने के लिए भी मॉडल्स का यूज होता है। ओके, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यानी कि भविष्य की संभावनाएं, भविष्य की संभावनाओं को दर्शाने के लिए भी हम मॉडल्स का यूज करते हैं। ओके, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, भविष्य की संभावनाएं, तो मॉडल्स का मेन यूज इस तरह से होता है। अब आपको ये पता चल गया है कि व्हाट आर मॉडल्स एंड वेयर आर दे यूज्ड, कि मॉडल्स क्या है और वो कहाँ यूज होते हैं। इसी के साथ हम एक एक करके अब मॉडल्स का यूज समझेंगे कि कहाँ पर कैपेबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, सजेशन, ये कहाँ पर दर्शाया जाता है और किस मॉडल के थ्रू, किस तरह से। तो देखिए, कैन के बारे में मैंने सबसे पहले लिखा है, कैन माने सकना, कोई भी चीज को कर सकना, मेन मीनिंग इसका होता है किसी भी चीज को कर सकना। कैपेबिलिटी, ओके, कैपेबिलिटी, कैन। अब देखिए, कैन माने कर सकना, तो इनका मॉडल्स, दुनिया में कोई भी मॉडल्स हो, उनका एक कॉमन रूल होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, ओके, प्लस, मैंने कॉमन रूल ट्रांसलेशन का पहले ही बता दिया आपको, यहां पर हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स को ही मान लेंगे, राइट, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स को मानेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस कैन, ओके, प्लस मेन वर्ब, ओके, प्लस जिसका मतलब कुछ करना होता है, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, करना, फिर ना करना, मना करना, सूंघना, पीटना, मार देना, सो जाना, उठना, भागना, दौड़ना, लटकना, झूलना, उड़ना, उड़ाना, ये सब मेन वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट यानी डूइंग वर्ड्स, इनको डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं, डूइंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनका मतलब कुछ करना होता है। तो सब्जेक्ट कैन, मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, और ये परमिश, कैपेबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। ओके, अब देखिए, लेकिन अब देखिए, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए, कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए कैन का यूज कैसे होता है, देखिए, इस बाल्टी, मैंने आपको बताया था एग्जांपल, में 10 केजी पानी आ सकता है, या हम इस सेंटेंस को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस बाल्टी की क्षमता 10 केजी यानी किलोग्राम पानी की है। ओके, तो हम इसे ऐसे ही बनाएंगे,
सब्जेक्ट क्या है? दिस बकेट, दिस BUCKET बकेट, ये बाल्टी। स्कैन, देखो रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब इनकी पहचान क्या होती है कि इसमें बाल्टी की क्षमता बताई जा रही है और सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है। ओके, क्षमता शब्द आ गया फिर तो कैन का यूज होगा, लेकिन क्षमता ना आके सकता, सकती, सकते आ गया। सकना, कैन माने सकना। यू कैन फ्लाई, दे कैन रन, दे कैन नॉट रन। ओके, कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो? तो ये है कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए, कैपेसिटी दर्शाने के लिए। दिस बकेट कैन होल्ड, होल्ड माने अपने अंदर होल्ड कर सकती है, रोक के रख सकती है। दिस बकेट कैन होल्ड 10 liters ऑफ वाटर। ओके, तो यहां पर कैपेसिटी दर्शाई जा रही है कि इस बाल्टी की कैपेसिटी है। अब हम इस सेंटेंस में, कोई कहे कि हमें यहां मॉडल यूज नहीं करना, ये मॉडल यूज नहीं करना है कैन, तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? तो मॉडल यूज ना करके कैपेसिटी यूज कर दो। देखिए दिस बकेट, देखिए यहां पर मॉडल यूज हो रहा है कैन और विदाउट मॉडल, विदाउट मॉडल, विदाउट मॉडल कैसे यूज होगा? दिस बकेट हैज द कैपेसिटी टू होल्ड 10 liters ऑफ वॉटर। ओके, देखिए हम छोटा छोटा मटेरियल पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आए। कभी कुछ ना समझ में आने से अच्छा है कि धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा है। तो दिस बकेट कैन होल्ड 10 liters ऑफ वॉटर, इस रूल के अकॉर्डिंग दिस बकेट कैन होल्ड 10 liters ऑफ वॉटर। सब्जेक्ट कैन, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है कि यहां पर हम विदाउट मॉडल अगर बनाए इसको, तो कैन यूज ना करके हम कैपेसिटी ही यूज कर देंगे, कैपेसिटी। ओके, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच, सॉरी। दिस बकेट हैज द कैपेसिटी टू होल्ड 10 liters ऑफ वॉटर। तो या तो ऐसे बनाइए मॉडल का यूज करके, विदाउट मॉडल ऐसे बनेगा ये सेंटेंस, यहां कैपेसिटी शब्द ही यूज कर लेते हैं। ओके, अब हम कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए बनाते हैं कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मैंने बताया था कि कैपेसिटी होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कैपेबिलिटी होता है लिविंग थिंग्स के लिए। ओके, मेरा भाई या मेरा दोस्त चार पतंग एक समय में उड़ा सकता है। तो देखिए, माई फ्रेंड कैन फ्लाई, मेरा फ्रेंड कैन फ्लाई, उड़ा सकता है। कैन मेन वर्ब, देखिए कैन के बाद मेन वर्ब, माई फ्रेंड सब्जेक्ट, कैन फ्लाई, माई फ्रेंड कैन फ्लाई 4 kites इन 1 time। ओके, माई फ्रेंड कैन फ्लाई 4 kites इन 1 time। देखिए कैन, यहां मॉडल का यूज हुआ है। अब विदाउट मॉडल अगर हम इसे बनाना चाहें, विदाउट मॉडल, तो अगर हम कैन का यूज नहीं करना चाहते, तो देखिए किसी इंसान की क्षमता योग्यता को दर्शाने के लिए कैपेबिलिटी शब्द यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी जिनमें जान नहीं होती उनकी क्षमता को दर्शाने के लिए कैपेसिटी यूज होता है। तो पिछले सेंटेंस में हमने एक बकेट की कैपेसिटी दर्शाई थी, तो वो मॉडल के साथ और विदाउट मॉडल के साथ। अब देखिए कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए किसी लिविंग थिंग यानी फ्रेंड लिविंग है, तो उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए माई फ्रेंड कैन फ्लाई 4 kites इन 1 time
ओके अब विदाउट मॉडल देखिए कैसे बनेगा, माई फ्रेंड सेम उसी की तरह हैज द कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी माई फ्रेंड हैज द कैपेबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी टू फ्लाई फोर काइट्स इन वन टाइम। ओके तो देखिए यहां पर कैपेबिलिटी, हमने कैन की जगह कैपेबिलिटी और हैज हैव का यूज हो गया, यानी उसके पास कैपेबिलिटी है। तो मैंने बताया था कि जब किसी के पास कोई चीज होती है तो हैज हैव हैड का यूज होता है, तो या तो यह हैज हैव हैड का यूज कर दो, मॉडल का यूज मत करो। माई फ्रेंड हैज द कैपेबिलिटी टू फ्लाई फोर काइट्स इन वन टाइम। अब हम कहते हैं कि हम यहां मॉडल का यूज करेंगे, इसे छोटा कर देंगे सेंटेंस को, तो माई फ्रेंड कैन फ्लाई फोर काइट्स इन वन टाइम। अंडरस्टैंड, यहां कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दर्शाने के लिए भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट यूज इस कैन का परमिशन के लिए भी होता है। परमिशन, परमिशन माने किसी की परमिशन लेना, आप समझ गए होंगे, आज्ञा लेना। ओके परमिशन दर्शाने के लिए कैन आई हेल्प यू इन दिस टास्क क्वेश्चन मार्क, क्या मैं इस कार्य में आपकी मदद कर सकता हूं। अब देखिए मतलब कि इसका मतलब यह भी होता है कि आई हैव द कैपेबिलिटी टू हेल्प यू इन दिस टास्क, आई हैव द कैपेबिलिटी टू हेल्प यू इन दिस टास्क इफ यू अलाउ। अलाउ माने परमिशन, देखे परमिशन आ गया, कंडीशनल सेंटेंस बन गया, कंडीशन रख दी कि आई हैव द कैपेबिलिटी टू हेल्प यू, मतलब मेरे पास कैपेबिलिटी है तुम्हें हेल्प करने की। ओके मैं लायक हूं तुम्हें हेल्प करने के, आई एम एबल टू हेल्प यू, आई हैव द कैपेबिलिटी टू हेल्प यू इन दिस टास्क, इस कार्य में मैं आपकी हेल्प करने की कैपेबिलिटी रखता हूं, बट देयर इज अ कंडीशन, इफ यू अलाउ, ओनली इफ यू अलाउ, सिर्फ अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो कंडीशनल सेंटेंस भी बन गया इफ का यूज होने से, इफ माने अगर। ओके तो देखिए या तो ऐसे लिख दो आई हैव द कैपेबिलिटी टू हेल्प यू इन दिस टास्क इफ यू अलाउ, अब यानी कि हम दर्शा रहे हैं कि मुझ में है दम, मैं कर दूंगा भाई तेरी हेल्प। नेक्स्ट कैन आई हेल्प यू इन दिस टास्क, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहां आएगा क्योंकि यहां कैपेबिलिटी दर्शा रहे हैं। कैन आई हेल्प यू इन दिस टास्क, इस टास्क में आपकी मदद करूं मैं, कर सकता हूं क्या मैं आपकी मदद। ओके अब कैन के यूज में एक शब्द होता है जो दूसरे सेंस में आता है, कैन मतलब हम कर सकते हैं, परमिशन के लिए होता है, दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है सेंटेंस, इस तरह से बन सकते हैं ये। अब देखिए पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज कहां होगा, पॉसिबिलिटी, ओके तो देखिए पॉसिबिलिटी मींस किसी चीज की संभावना दर्शाने के लिए, संभावना, जैसे मान लीजिए धूप एकदम गायब हो गई है और बूंदे गिरने लगी है और बादल घूमर के आ गए, तो हम कह सकते हैं कि इट कैन रेन टूडे, इट कैन रेन टूडे एज द वेदर
सजेस्ट्स, ओके। वेदर माने मौसम, एज माने जैसा कि। तो देखिए, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ओके। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। जैसा कि द वेदर सजेस्ट, जैसा कि मौसम बता रहा है, जैसा कि मौसम बता रहा है, इट कैन रेन टुडे। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्योंकि यह पॉसिबिलिटी दर्शाई जा रही है तो हम कैन का यूज नहीं करना चाहते, ओके। तो हम यहां कैन हटा के पॉसिबिलिटी शब्द, जैसे उनमें कैपेबिलिटी और कैपेसिटी यूज किया, इसमें पॉसिबिलिटी यूज कर लेंगे। तो देखिए, देयर इज पॉसिबिलिटी, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुडे एज द वेदर सजेस्ट, एज द वेदर सजेस्ट। तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, आज बारिश की संभावना है, जैसा कि मौसम सजेस्ट कर रहा है, ओके। तो बारिश की संभावना है, तो कैन मॉडल का यूज करेंगे तो ऐसे, विदाउट मॉडल ऐसे। जो सेंस निकल के आ रहा है इसमें, देखो पॉसिबिलिटी आ रही है तो कैन हटा के पॉसिबिलिटी शब्द यूज कर दो, कैपेसिटी आ रही है कैपेसिटी यूज कर दो, कैपेबिलिटी आ रही है कैपेबिलिटी यूज कर दो, परमिशन आ रही है परमिशन यूज कर दो, ओके। अब देखिए, कैन आई हेल्प यू, पॉसिबिलिटी के बारे में समझे आप। अब देखिए, एक और वर्ड मैं थोड़ा सा और दे दूं, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो मैंने बताया था कि परमिशन ले रहे हैं, तो डू आई हैव, डू आई हैव योर परमिशन टू हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, क्या मुझे आपकी परमिशन है हेल्प करने की। ऐसे कर सकते हैं, परमिशन शब्द यूज हो गया। तो दिस इज द यूज ऑफ कैन, मॉडल्स बड़ा ही सुंदर बना देते हैं सेंटेंस को। मॉडल को ये मान लो कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत बड़े आभूषण हैं, ओके। तो मॉडल्स का यूज करना यानी कि रोजमर्रा की इंग्लिश में आप फटाफट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, ओके। लेकिन परफेक्शन तो प्रैक्टिस, रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग से आता है। ये तीन चीज कभी नहीं छोड़ना, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं। कोई भी लैंग्वेज, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग परफेक्शन के लिए जरूरी है। कॉमन रूल, बेसिक चीजें हम बता रहे हैं आपको, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुड, मे, माइट, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।